हेलो सो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लेके आया हूं दोस्तों यहां पे ये ड्यूल 18 बेस, ये है दोस्तों यहां पे कंपनी फिटेड बेस और यहां पे कुछ अलग टेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम यहां पे हैं खुले ग्राउंड पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी ये दो बेस हमने सेटअप करा, साथ में कुछ मॉनिटर के साथ में है, यहां पे एम्पलीफायर का सेटअप है। तो बेस का यहां पे मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूं, इसको खोल के भी हम देखने वाले हैं क्या लगाया कैसे है अंदर, वो तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे सबवूफर का बॉक्स पैकिंग, यहाँ पे आपको एरन्स इंडिया की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। मॉडल है यहाँ पे मेंशन है सब 18x2, ठीक है ना, तो ये हो जाता है ड्यूल 18 सबवूफर। इसके अलावा यहाँ पे ये सबवूफर का एक पिक्चर यहाँ पे मेंशन करा है। साइड की अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, ये देख लीजिए इसका अगेन मॉडल नंबर क्या, पावर रेटिंग्स है। बाकी पैकिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करी गई है। पैकिंग से बात करते हैं तो चलिए इसको मैं फटाफट से जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अगेन ओपन कर चुका हूँ मैं तो ये दोबारा कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे पैकिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है भाई, मजबूती यहाँ पे पैकिंग दे रखी है। ये देख लीजिए कितना मोटा सा यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा कर देखने को मिल जाता है कि दोनों साइड ही आपको मिलता है, तो कंपनी ने काफ़ी ध्यान दे रखा है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए ये आपको चारों साइड पे थर्माकोल देखने को मिलता है, तो ट्रांसपोर्ट में कोई डैमेज नहीं होगा। साथ ही साथ ये यूज़र मैनुअल मिलती है जिसमें सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे मेंशन है। कुछ इस प्रकार से स्पीकर लगेगा यहाँ पे, देख लीजिए आपको झलक मिलेगा। बाकी तो मैं खोल के भी आपको दिखाने वाला हूँ कैसे रहने वाला है, और चलिए अभी हम इसको निकाल के फिर देखते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरेस का फ्रंट लुक। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं ग्रिल की बात करूँ तो ये दोस्तों 16 गेज की ग्रिल देखने को मिल जाता है। थोड़ा यहाँ पे कर्वी टाइप का डिज़ाइन, अगर आप यहाँ पे साइड से देखेंगे तो इस टाइप का आपको कर्वी डिज़ाइन मिलेगा। साथ ही साथ जो कि ग्रिल है इसको ये बैंड भी करा गया है यहाँ पे, ये देख लीजिए 90 डिग्री यहाँ पे ये बैंड है, तो ये ऊपर से बोल्ट लगा के देखने को मिलता है। सामने आपको कोई भी बोल्ट नहीं देखने को मिलेगा, अगेन वही रीज़न है कि यहाँ पे इतना हैवी ग्रिल देखने को मिलता है तो सामने कोई बोल्ट की जरूरत नहीं लगती है। बाकी यहाँ पे एरोंस इंडिया की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलाती है। अभी हम ग्रिल को भी खोलेंगे, उससे पहले मैं आपको ऊपर ऊपर की सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए ये है इसका पोल माउंट, पोल माउंट यहाँ पे चूड़ी वाला दे रखा है, अंदर चूड़ी लगा रखा है। एलिंग की बोल्ट सारे यहाँ पे यूज़ में ले रखे हैं, ग्रूव्स बना रखे हैं ताकि अगर आप इसके ऊपर और भी बेस रखें या टॉप रखें या लाइनर कुछ भी रखें तो ये फिसले ना अपनी जगह से, इस बात का भी ध्यान रखा। बाकी यहाँ पे ये पेंट फिनिश आप देख लीजिए इसका, ये देख लीजिए कितना चिकना पेंट है भाई, अगेन ऐसा पेंट भाई मतलब मेरा फेवरेट होता है इस तरीके के पेंट जो भी होते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों ये हैंडल हो जाता है, हैंडल पे वैगे यहाँ पे एल बोल्ट जो है वो आपको इस्तेमाल में देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे फाइबर हैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है काफ़ी लुक में, और यहाँ पे मजबूत जो है वो इसका अच्छा यहाँ पे मेरे को हैंडल देखने को मिलता है। तो दो हैंडल इस साइड पे आपको मिल जाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे दो हैंडल्स आपको इस साइड भी जो है वो देखने को मिलते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप इसको इजीली उठा पाते हैं, बहुत आसान है। बाकी इसका पूरा फिनिश देख लीजिए, ये देख लीजिए पूरा फिनिश है, कर्वी टाइप का थोड़ा सा आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। अगेन आप इसको इस तरीके से लंबा चौड़ा करके भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो इस तरीके की बेस बनाइए क्योंकि इसके अंदर का डिज़ाइन ही कुछ इस प्रकार से। बाकी यहाँ पर इसका ये बैक प्लेट हो जाता है। अब बैक प्लेट में इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई कि ये जो है वो स्पीकर और सॉकेट दोनों ही यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये मॉडल है सब 18x2 और इसका RMS पावर ये दे सकते हैं 1500+1500, इसलिए मेंशन है क्योंकि यहाँ पे स्पीकर्स भी यहाँ पे सेपरेट एक एक स्पीकर को दे रखे हैं। बाकी सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया है, इम्पेडेंस ये 8+8 यानी दोनों को आप मिला के यहाँ पे 4 ओम्स यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी रेंज भी इसका जो है वो 35 से लेके 300 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी भी वर्क करता है। अगेन ये बैकग्राउंड इसका बैक प्लेट हो जाता है। ओवरऑल पीछे का फिनिश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। लुक्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा, काफ़ी अलग सा लुक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट से कॉपी करा हुआ कोई लुक आपको देखने को मिल जाता है। सेम वैसे जैसे कि ग्रिल का डिज़ाइन है वैसा वाला चीज़ इसमें नहीं देखने को मिलता है, तो ग्रिल का डिज़ाइन भी यहाँ पे कंपनी ने बिल्कुल डिफरेंट रखा है। ओवरऑल ये तो हो जाता है इसका फ्रंट लुक, और 18mm का यहाँ पे दोस्तों अगेन ये पूरा प्लाई यहाँ पे यूज़ में ले रखा है, सारा ही 18mm पे प्लाई भी जो है वो क्वालिटी यहाँ पे अगेन डिफरेंट है बाकी सभी से। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं इसके इंटरनल की क्वालिटी। ये दोस्तों मैं यहाँ पे इसका ग्रिल हटा चुका हूँ, और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये भी है कि आप यहाँ पे सबसे पहले तो इसका ग्रिल का क्वालिटी देख लीजिए, जो कि जेन्युइन थिकनेस यहाँ देखने को मिलती है, मेरे को ज़्यादा ही लग रहा है यहाँ पे। बाकी ओवरऑल इसका फॉर्म का क्वालिटी अगेन कंपनी जब एरोंस है भाई तो हाँ हर चीज़ का जो है वो ध्यान देती है। ओवरऑल ये हो जाता है इसका इंटरनल पार्ट का क्वालिटी, हर एक चीज़ पे फिनिश्ड आउट करा गया है, मोल्डिंग दी गई है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मायने रखता है। जब एयर गैप पे ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान दिया गया तो अंदर भी आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे एलिंग की बोल्ट्स का सारा इस्तेमाल करा गया, 4.5 इंची वॉइस कॉल के साथ में आता है। स्पीकर का मैं अगर पर्सनली लुक करूँ एक यहाँ पे तो ये जो 451 वाला मॉडल है ना हमारा एरोंस का, उसके तरह यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल क्वालिटी, और स्पीकर वाकई में भाई हाँ फील एंड टच में जो लगता है ना कि हाँ प्रीमियम से कुछ लगा रखा है। ओवरऑल ये हो जाता है, ये यहाँ पे इसके एयर गैप है, एयर गैप देख लीजिए कितना इसका डेप्थ है,
तो इसका प्लाई भी आप क्वालिटी दे सकते हैं, इसका पूरा प्लाई और पेंट भी जो है वो ना अंदर भी पूरा यहाँ पे टेक्सचर वाला पेंट करा है, तो यहाँ से लुक्स भी जो है इसका काफ़ी अच्छा लगता है। ये अगेन खोलने का मेरा सबसे पहला रीज़न यही था कि जब मैं इसको टेस्टिंग पे इसको चलाऊँ तो आपको एक बार दिखा सकूँ भाई यहाँ स्पीकर का परफॉर्मेंस कैसा है बिना ग्रिल के या फिर कैसे चल रहा है, तो सारी चीज़ें आपको एक्चुअल में मालूम चलती रहेगी। तो ये है दोस्तों इसका इंटेल का क्वालिटी। और नीचे भी मैंने एक चीज़ नोटिस कराया भाई, इसके जो कि ये पैडल्स है ना, इनमें भी आपको एलेंकी वाला ही बोल्ड देखने को मिलता है। तो वही होता है ना भाई, हाँ, ये कंपनी में और एक आफ्टर मार्केट में जो फ़र्क आता है वो यही आता है कि हर एक चीज़ पे ज़रूरी पे ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस बेस के ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। इसके अलावा यहाँ पे अभी हम बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी बहुत स्पेशल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों इसकी पावर रेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों एक जो बेस हो जाती है 3000 वाट RMS पावर के साथ में आता है। कंपनी ने बेसिकली यहाँ पे 1500+1500 इसलिए मैंशन करा है, जैसे मैंने बताया ना कि स्पीकर्स में आपको दोनों अलग अलग कनेक्शन मिलते हैं, वो इसलिए यहाँ पे मैंशन करा है। लेकिन आप यहाँ पे जैसे कि आगे में एक तरीका भी आपको बता दूंगा इसके लिए कि स्पेशल वायर आप बना के रख लेना, तो आप 3000 वाट 4 ओम्स पे यहाँ पे एम्पलीफायर यूज में ले सकते हैं। इस तरीके का इसका एम्पलीफायर लगेगा। बाकी यहाँ पे मैक्स एक्सपेल इसका 140 GB आपको मिल जाता है। वेट की मैं बात करूँ तो 89 to 90 kg यहाँ पे हो जाता है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ बेस का जो क्वालिटी है या फिर जो इसका मतलब बिल्ड क्वालिटी है ना वो डिफरेंट है, काफ़ी हैवी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी बना रखा है। पॉली यूरिया करके एक पेंट है जो कि यहाँ पे ये वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, और यहाँ पे आपको जैसे उठाने में लग जाता है या फिर चोट लग जाती है कोई भी भारी बेस या अपने इधर उधर खसकाए, तो ये जो इस तरीके के जो डैमेजेस हैं, छोटे मोटे स्क्रैचेज हैं, तो इस पर इतनी जल्दी लगते नहीं है, इस बात का भी कंपनी ने ध्यान रखा है। बाकी अभी रहता है दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग, तो चलिए टेस्टिंग पे अभी हम चलते हैं, कैसे करने वाला हूँ, कनेक्शंस कैसे हैं। जैसे कि पीछे आपको डबल स्पीकर्स अलग अलग स्पीकर के लिए मिलते हैं, कैसे मैंने कनेक्ट करा है वो भी मैं अभी एक बार ही आपको दिखा देता हूं। दोस्तों यहां पे जैसे कि मैं बता रहा था कि टेस्टिंग पे हम सेटअप कैसे कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने देखा कि यहां पे ये दो बेस हो जाती हैं, इसका ग्रिल जो है वैसे मैंने ओपन रखा है ताकि आपको एक्चुअल में मालूम चलता रहे कि भाई हाँ स्पीकर कैसे चल रहा है। बाकी यहां पे दो हमने 12 इंच के मॉनिटर लगा रखे हैं, साथ में यहां पे दो एम्पलीफायर्स ले रखे हैं, एक यहां पे हमारे टॉप का है, एक यहां पे हमारा बेस का हो जाता है। अब यहां पे एक चीज पॉइंट यहां पे नोट ये करना दोस्तों कि यहां पे जो कि कनेक्शन होंगे इसके वायर के बेस के, वो थोड़ा सा यहां पे आपको क्लेरिफाई में कर देता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप नॉर्मली एक स्पीकर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने जो कि इसके पोलरिटीज हैं वो यहाँ पे चेंज करी हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए +1 +2 ये दोनों अलग अलग हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक स्पीकर जो है वो एक नंबर पे आ जाएगा, दूसरा स्पीकर हमारा दूसरे नंबर पे आएगा, प्लस माइनस दोनों में ही आपको मिलते हैं। तो ये दोनों स्पीकर आपको यूज़ करने पड़ेंगे, और इससे होता क्या है कि कई बार लाइव कॉन्सर्ट में यहाँ पे इसको बायम तरीके से जो है वो चला जाता है, यानी अलग अलग दोनों स्पीकर्स का यहाँ पे जो कनेक्शन है वो लिया जाता है एम्पलीफायर के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि पता है कि ये जायफर का Z7 है, खैर इसमें आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिंपली दो डाल दिया हमने निकाल के, तो ये इजीली हो गया। बाकी अगर आप कभी भी एम्पलीफायर से अटैच करें, आपके पास सिंगल स्पीकर हो एम्पलीफायर पे, तो आपने करना क्या है कि जो कि आपके बेस के वायर्स हों वो तो आप दो निकाल लीजिए, लेकिन जो कि आपके मेन स्पीकर में उसमें आप दोनों को ज्वाइंट करके +1 -1 ही रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए कि मजेदार सी मैं आपको एक टेस्टिंग देता हूं। I'm not afraid to die.
कैसे लगे टेस्ट रूम, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी यहाँ पे इस बेस के साथ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है भाई, जो उसका थ्रो है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे ये जितना बाउंड्री है ना, इसके बाहर भी यहाँ पे बेस का जो था वो फील, यहाँ पे पंच जो था वो यहाँ पे मालूम चला था। इसके अलावा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे भाई ये जो फ्रंट वाली जो डिज़ाइन होता है या फिर इस तरीके के जो मॉडल होते हैं ना, वो उनका जो है वो टेस्ट ही अलग होता है, उनका परफॉर्मेंस ही अलग होता है। बाकी यहाँ पे स्पीकर जैसे कि मैं बताया 4.5 इंची वॉइस कॉल के साथ में आ जाता है। ओवरऑल यहाँ पे कंपनी फिटेड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती है, पेंट यहाँ पे आपको वाटरप्रूफ मिलता है, और यहाँ पे जितने भी मतलब हर एक क्वालिटी पे यहाँ पे ध्यान दिया है भाई कंपनी की तरफ से। ओवरऑल ग्रिल का डिज़ाइन कुछ यहाँ पे डिफरेंट है मार्केट से, ये कहूँगा मैं भाई। हाँ, ये इन्होंने पॉइंट अच्छा रखा कि ग्रिल का डिज़ाइन या फिर इसका जो होल्स हैं वो भी यहाँ पे डिफरेंस रखा है। पीछे कनेक्शन इसका थोड़ा सा वो देख लेना कि इसके लिए आप एक स्पीकर जो है वो अलग से बना कर रख लें, ताकि एक साइड पर आपके एक पोल पर यहाँ पे दो स्पीकर हो, जिसमें कनेक्शन आपसे 2+2-, 1+1- हो, दूसरे साइड पे आपका 1+1- हो, तो इस तरीके की जो है वो आप स्पीकर वायर एक बना के रख लेना। ओवरऑल बाकी बेस भाई अच्छी है। नीचे ये नंबर आपको मिल रहा होगा एरोंस इंडिया को, तो यहाँ से आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी आपके नियरेस्ट डीलर का, कहाँ से अवेलेबल होगा, क्या प्राइस होगा, तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं उससे अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।